मुख्यमंत्री ने किया प्रदेश के बाढ़ग्रस्त जिलों का हवाई सर्वे, कोटा बूंदी और बारां का हवाई सर्वेक्षण कर की बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात। राजस्थान में मानसून की रफ्तार कम पड़ी है, बारिश का ये ब्रेक सुकून देने वाला है, लेकिन प्रदेश के 10 जिलों में अब भी बाढ़ का खतरा बना हुआ है। झालावाड़, कोटा, बूंदी, बारां, चित्तौड़गढ़, धौलपुर, जालोर, सिरोही और टोंक में हालात ये हैं कि यहाँ के बांध पूरी तरह से भर चुके हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने गुरुवार को हवाई सर्वे किया। सुबह करीब 11:30 बजे कोटा पहुंचने से पहले मुख्यमंत्री ने बूंदी के प्रभावित एरिया का सर्वे किया। इसके बाद वे कोटा पहुंचे और एयरपोर्ट पर यूडीएच मंत्री श्री शांति धारीवाल, चिकित्सा मंत्री श्री परसादी लाल मीणा से उन्होंने स्थिति पर बातचीत की। मुख्यमंत्री ने कोटा का भी हवाई सर्वेक्षण कर बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की। जगह जगह पानी भरे हैं, कई गांव गिर गया पानी से, डूब भी गए हैं और मैं समझता हूँ कि उनके बावजूद भी और एडीआरएफ इवन सेना ने भी अच्छा काम किया तो कमी नहीं रही कहीं पर। इसलिए लोगों की कोई कैजुअल्टी नहीं हुई, ये एक सुकून की बात है कि कोई कैजुअल्टी नहीं हुई है। पर नुकसान बहुत हुआ, फसलों को नुकसान हुआ, कुछ कच्चे पक्के मकान भी गिरे हैं और उनका हम सर्वे करवा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने मीडिया से बात करते हुए ईआरसीपी को लेकर कहा कि ये परियोजना प्रदेश के लिए बहुत जरूरी है। पानी जो आया है चंबल का, काली सिंध का, जो मध्य प्रदेश से, इसके लिए मेरा कहना है, जो हमारी बार बार मांग हो रही प्रधानमंत्री जी से, आप ईआरसीपी जो योजना है इसको आप राष्ट्रीय परियोजना घोषित करो। प्रदेश में बाढ़ग्रस्त इलाकों में बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। जिला प्रशासन, सेना दल, वायुसेना, पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ एवं नागरिक सुरक्षा की टीमों ने बाढ़ग्रस्त इलाकों से 4302 व्यक्तियों का सफलतापूर्वक रेस्क्यू किया है। बाढ़ प्रभावित जिलों में फंसे नागरिकों को एयरलिफ्ट करने के लिए 2 दिनों से कोटा हेलीपैड पर हेलीकॉप्टर की तैनाती भी की गई है। मुख्यमंत्री ने कोटा में राहत कैंप में मौजूद अतिवृष्टि प्रभावित लोगों से मुलाकात कर वहां की व्यवस्थाओं की जानकारी ली। कैंप में मौजूद लोगों ने सरकार एवं प्रशासन द्वारा की गई व्यवस्थाओं पर प्रसन्नता जताई। वहीं बारां जिले में आम लोगों ने मुख्यमंत्री का पूरे उत्साह के साथ स्वागत किया।